राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो गाइस देखो, मैं मतलब ब्लॉग बनाने का रीज़न कुछ नहीं है, बस आपसे थोड़ी बात करनी थी इसलिए कि टू फैमिली से भी थोड़ा बात करूं। तो गाइस मेरा घर का काम सारा हो चुका है, देखो सारा मैं घर का काम पूरा हो चुका है, मैं हो चुकी हूँ फ्री। तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। तो गाइस खा लीजिए खट्टी मीठी टॉफ़ी, और जिसको खट्टी मीठी टॉफ़ी पसंद है तो गाइस कमेंट में ज़रूर लिखना। तो मुझे तो बहुत पसंद है खट्टी मीठी गोलियाँ, और ये गोली देखो किसी ने अपने बचपन में खाई ज़रूर होंगी, ठीक है? तो बचपन की यादें थोड़ी सी, कल मैं जब बाजार गई थी ना तो मुझे ये दिखा था, और मुझे जब ये दिखा ना तो मुझे कुछ बचपन की बातें याद आ गई। तो मैं सोचा एक गोलियाँ ले लेती हूँ मैं टॉफ़ी। और जब मैंने ये टॉफ़ी खाई ना तो इसमें स्वाद ना संतरे जैसा नहीं है, इसमें स्वाद है ऐसा जैसे पहले पान की टॉफ़ी आती थी ना, पान की 1 रुपए की 4 आती थी, तो अब नहीं आती है। मेरी शादी से पहले तो मिलती थी, तो अब वो टॉफ़ी नहीं आती, लेकिन उन टॉफियों का स्वाद इन टॉफियों में है और बहुत टेस्टी है। तो थोड़ी थोड़ी मस्ती करने का मन करता है गाइस। देखो लाइट 1 घंटे की लाइट 1.5 घंटा हो गया और लाइट भाग चुकी है। लेके ये है ना, अभी जब मैं वो मेला देखने के लिए गई थी ना तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। इसमें पता है क्या है, गणेश जी का वो है, और ये तो आप देख ही रहे हो, तो मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था कि ना ये बहुत, अगर किसी को मैं खोपड़ी फुटवाना है तो इससे आ जाना यहाँ पे। ये बहुत हैप्पी, अगर किसी के सर में मार दिया ना तो फूट ही जाएगा सर। तो मैं ये लेकर आई थी, और ये जो मेरा है मैंने ये वॉश करके पिछले साल मैंने लेके आई थी, तो वॉश करके मैंने ये रख दिया था, क्योंकि ना ऐसी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं, ऐसी चीज़ें ख़राब नहीं होती, वॉश करो और रख दो तो बार बार खरीदने का क्या मतलब है, मिलता तो वही है घूम फिर के, ठीक है? बस तो ये भी देखो ये लेके आई थी मैं पिछले साल का है, ये भी ये पिछले साल का नहीं है, पिछले साल का है नहीं, मैं लेके आई थी। अरे नहीं ना बेटो, ये मैं लेके आई थी, और ये मैं मकान में शिफ्ट हुई थी ना तो उससे पहले मैं ये 1 महीने 1.5 महीना पहले ही मैंने रख लिया था लाके। और ये देखो आप गुलदस्ता पेड़ है ये पूरा। तो ये मैंने कब ख़रीदा था सोचो, ये पता मैंने कब ख़रीदा था, जब लॉकडाउन खुला था और दिवाली आई थी तो मैंने ये पौधा ये ख़रीदा था, उस टाइम का ही है। तो गाइस इसको साफ़ कर देते हैं ना तो ये साफ़ हो जाता है अच्छे से, बिल्कुल न्यू हो जाता है। तो मैंने अभी इसको ऐसे ही धो के रख दिया था, तो मैं सोच रही हूँ धनतेरस को इसका अच्छे से वॉश करके तो फिर मैं इसको रखूँगी, क्योंकि जैसे कि आप देख रहे हो छोटा सा घर है, ज़्यादा बड़ा तो है नहीं। और गाइस लाइट भाग चुकी है, बेटो देखो मेरा ऐसे ही है बैठा हुआ। और देखो ये कितना चिल्ला रहा है ये लड़का, देखो मम्मी को खामों का दोस्त लगा रहा है, कैसा बेटा है मेरा, देख रहे हो गाइस? बच्चे सभी की ऐसे होते हैं गाइस, आपको पता तो है ही, सबके बच्चे ऐसे ही रहते हैं। तो गाइस मैं हो चुकी हूँ रेडी, बस मैंने सिंदूर नहीं लगाया यार, अभी ध्यान ही नहीं रहा मेरे को, छोटी सी बिंदी लगाई तो मुझे बहुत छोटी सी बिंदी मुझे बहुत अच्छी लगी आ रही है, बम भटकाओ फटाफट से। इस लड़के ने 1 महीना 1.5 महीना पहले ना परेशान कर देता है कि मुझे पटाखे चाहिए, मुझे पटाखे चाहिए। नहीं, इसके पापा ने ये बोल रखा है कि पटाखे मिल जाएंगे तो दिवाली का तो इंतजार कर ले। इस बार कौन कौन से ले रहा हूँ ना, मतलब 2 नाजी 2 आलू बड़े बड़े सारे, सीन बनेगा सीन। अच्छा गाइस ये बताओ, बच्चों को छोटे बच्चों को फुलझड़ी हो गई, अनार हो गया, चक्री हो गई, बस यही फोड़ना चाहिए ना, बड़े बड़े बम से खतरा होता है। अरे कहीं नहीं होता, हमने नाल फोड़ी है, नाल देखो ये लड़का देखो, इससे पूछो कोई पढ़ने में कैसा है तू,
एक अच्छा। लगाऊं मैं गाल पे इसके। तो गाइस किसको पसंद आया मेरी डेकोरेट, थोड़ा सा अभी मैंने अच्छे से करा नहीं है, बट मैं थोड़ा सा करूँगी, धीरे 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 करूँगी। ऑलरेडी बहुत खर्चा हो चुका है, पैसे भी खत्म हो चुके हैं इस टाइम। तो गाइस थोड़ा थोड़ा करूँगी धीरे धीरे, तो क्योंकि आप जानते हो भैया दोस्त भी आ रही, भैया दोस्त को खर्चा आता है, वाली भी आ रही है, गाइस की वाली भी आ रही है, फिर जाना है इधर भी जाना है, मुझे इधर भी जाना है, वही तो खर्च अपनी। एक दिवाली ऐसी आती है कि कल होई भी है, फिर उसके बाद दिवाली है 12-15 और कल है होई हटी। तो जो हमारे यहाँ होई पूजा फास्ट रहता है बेटों के लिए, ठीक है, तो कल होई है, और जिस दिन की होई होती है ना उसी दिन की दिवाली होती है। तो आप सबको मेरी तरफ से होई की बहुत बहुत बहनों को शुभकामनाएं और बहुत बहुत हैप्पी हैप्पी होई आप सबको बहनों को। मैं बहुत मारूंगी, देखो ये लड़का बोलने नहीं दे रहा है, मैं तो हाय कर रहा हूँ। तो कल मिलते हैं, मैं कल पहनूंगी साड़ी रेड कलर की जिसने मैंने नीशू से मंगवाई थी, आपको दिखाऊंगी। नीशू से मैंने साड़ी मंगवाई थी, उसमें बॉर्डर में लिखा हुआ है सौभाग्यवती रो, तो वो साड़ी मैंने मुझे पहनी थी करवा चौथ में, बट मैंने डिसाइड किया हुआ था मैं वो पहनूँ, तो मैंने उस दिन वो पहनी थी। तो कल मैं पहनूंगी मेहरून कलर की साड़ी जिसके बॉर्डर पे लिखा हुआ है सौभाग्यवती। और देखो गाइस मेरी मेहंदी ना अभी तक नहीं मतलब धुली नहीं है, मैंने 2 दिन से ना मैं साबुन से इतना हाथ वॉश कर रही हूँ, रगड़ के साबुन ताकि मेरी मेहंदी थोड़ी सी हल्की पड़ जाए, लेकिन मेरी मेहंदी हल्की नहीं पड़ी। मैं जानता हूं। और पैरों की तो आपको पता है, पैरों की तो बिल्कुल भी नहीं पड़ी है, मैं जानता हूं। क्योंकि ना मेहंदी ना जब थोड़ी सी पीली पीली होती है ना हल्की हल्की तो अच्छी लगती है, लेकिन जब ब्लैक हो जाती है ना तो पपड़ी सी छूटती है, वो बड़ी बेकार लगती है। तो गाइस किसको मेरी बहनों को मेहंदी का रंग ब्लैक अच्छा लगता है या हल्का रेड सा अच्छा लगता है, तो कमेंट में जरूर लिखना। मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और कल मेरी गेमिंग की वीडियो आई थी, मैं लाइक नहीं करा। तो गाइस मेरे सब्सक्राइब घट रहे हैं, तो थोड़ी सी प्लीज हेल्प कीजिए, और चैनल डाउन हो रहा है हमारा, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। तो अपनी फैमिली को ही बोला जाता है गैर, तो मेरी यूट्यूब मेरी फैमिली है और सब मेरी फैमिली है, तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना जरूर और कमेंट में जरूर लगना। और हमारी एक वीडियो पर दो दो तीन तीन बार देखना, क्योंकि हमारा चैनल बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है, बहुत तेज़ी से डाउन हो रहा है। कल तो मुझे बहुत रोना आ रहा था गाइस, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो इस ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पर एंड। बाय बाय, गुड बाय, टाटा, शेयर।